हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूँ समीर हाशमी और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि मेरी अगली वीडियो रहेगी कैसे आप अपने किसी भी स्मार्टफोन में वन प्लस की गैलरी यानी कि उसके जन 11 की गैलरी कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी विदाउट रूट। आपको अपने फ़ोन को रूट करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही अपने किसी भी स्मार्टफोन में वन प्लस की गैलरी इंस्टॉल कर सकते हो। पहले देख लीजिएगा कैसी है गैलरी, अगर पसंद आती तो डाउनलोड कर लीजिए, अगर पसंद नहीं आती है तो अदरवाइज़ आपको फिर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन की गैलरी यूज़ कर सकते हो। तो पहले वीडियो को क्या करना है, पूरा ध्यान से देखना है और कैसी है गैलरी पता चल जाएगा। तो बिना टाइम लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कैसी लगी आपको वन प्लस की गैलरी। तो दोस्तों, आपको बता दूँ इस गैलरी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना। पहले वीडियो को ज़रा देख लेना कैसी है गैलरी, तभी डाउनलोड कर लेना। और विदाउट एनी ऐड आपको मेरे डाउनलोडिंग लिंक पर कोई ऐड वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी आसानी रखता हूँ मैं आपके लिए। फ्रेंड्स, आपको मैं इंस्टॉलिंग प्रोसेस भी दिखा देता हूँ। पहले कि मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ, फाइल मैनेजर में जाने के बाद उस फोल्डर में चले जाना है जिस ऐप से मैंने डाउनलोड की है गैलरी। तो मेरा जो है डाउनलोड फोल्डर में है, देख लीजिएगा एक जिप है मैंने। अब मैं इस जिप को अनजिप कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर कर दिया मैंने। अब अंदर की तरफ फोल्डर में चले जाता हूँ, ये देख लीजिएगा ये रही गैलरी। सिंपली आपको ये इंस्टॉल कर लेना है, मेरे फ़ोन में तो इंस्टॉल हो गई और मुझे उम्मीद है कि आपके फ़ोन में भी इंस्टॉल होगी। अगर कुछ दिक्कत परेशानी लगती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सोल्यूशन दे दूँगा। देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अभी ये इंस्टॉलिंग कम्प्लीट हो चुकी है, अभी स्कैन हो रही है गैलरी। देख लीजिएगा पूरा स्कैन भी हो चुकी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपके सामने कुछ एक परमिशन देनी होगी, आपको इसको अलाउ कर देना है। और कुछ फ़ोटोज़ ये देख लीजिएगा सामने की तरफ आ चुके हैं स्क्रीन पर, ये गैलरी जो है वर्क कर रही है, ये नहीं कि इंस्टॉल हो गई बाद में वर्क नहीं कर रही, इंस्टॉल भी होगी अच्छे से वर्क भी कर रही है। फ़ोटोज़ वीडियो सब गैलरी में शो हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी गैलरी है। अगर आप अपनी गैलरी से बोर हो चुके हैं तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको इस गैलरी में मिल जाएंगे देखने के लिए। जैसे कि मैं अभी ऑल फोटोज़ एंड वीडियोज़ में हूँ, सभी के सभी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ इस फोल्डर में शो कर रहे हैं। देख लीजिएगा, आपको एडिट में जाने के बाद आपको यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो और इसमें फ़िल्टर्स वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देख लीजिएगा, आप यहाँ से इसका कलर चेंज भी कर सकते हो किसी भी फ़ोटो का। और एडिट वगैरह सब चीज़ें आपको इस गैलरी में ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन सेट एस स्क्रीन कॉपी वगैरह इंफॉर्मेशन के ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इंफॉर्मेशन नीचे की तरफ भी देख ले सकते हो, फोटो का डिटेल वगैरह सब आ रहा। और जितने भी फोल्डर्स हैं मेरे स्मार्टफोन में, सभी के सभी इस गैलरी में शो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ, कुछ और दिखा देता हूँ आपको इस गैलरी में। चलते हैं यहाँ से बैक करते हैं, ये रहा प्लेस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सिटी में आपने जहाँ से भी कोई से भी स्टेट से भी अपने फ़ोटो जो है क्लिक करोगे, फ़ोटो खींचे होंगे तो वहाँ की लोकेशन आ जाएगी। जहाँ से भी फ़ोटो वीडियोस रिकॉर्ड करी होगी सब लोकेशन आपको इस फीचर में देखने के लिए मिल जाएगी। अब चलते हैं सेटिंग्स में, सेटिंग्स पे अबाउट गैलरी में और इसका वर्जन चेक करा देता हूँ। देख लीजिएगा वर्जन रहा वर्जन 3.7.16, तो ये रहा गैलरी का वर्जन। और दोस्तों, आपको यहाँ से रिसेंट रिलेटेड है इस फीचर में, इस ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि कुछ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आपने जो डिलीट करे हो रिसेंटली वो देखने के लिए मिल जाएंगे, भले से आपने
अपने फ़ोन पे से डिलीट कर दिए हो। तो दोस्तों बस आप बताना कैसी रही ये गैलरी, कैसी लगी है आपको वीडियो। तो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको डाउनलोड करना, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।